अभी हमें नाइटी काटनी है। नाइटी के लिए टोटल 3 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन हम ड्रेस के अंदर नाइटी काटेंगे, यानी कि 2-2 मीटर के इसके। सबसे पहला कपड़ा डबल कर देंगे इस तरह, सबसे पहला फोल्डिंग करेंगे हमेशा, यानी कि 4 फोल्डिंग, 1 2, ये 2 4। कपड़े को इस तरह बराबर, यहां से हम बॉडी कट करेंगे, 10 इंच की बॉडी डालेंगे। हमारा लेंथ है 50, 1 इंच हम बढ़ाएंगे लेंथ, यानी कि 51। नीचे इतनी फोल्डिंग कर देंगे, ये बॉर्डर के बराबर 51 यहां से रखें, यहां पर 10 इंच का बॉडी। अब ये हिस्से को साइड में रख देंगे, बॉडी कटिंग। बॉडी के लिए पहला तो डबल फोल्डिंग करेंगे, यानी कि इस तरह, फिर 4 फोल्डिंग करेंगे, यानी कि इस तरह। हमारा शेष है 36, 8 इंच लूजिंग देंगे, 44 4 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 इंच, 1 इंच मार्जिन इस तरह। सीधा पहला मार्किंग करेंगे रफ, यानी कि 10 इंच की बॉडी है, 11 इंच रखेंगे, आधा इंच ऊपर मार्जिन और आधा इंच नीचे की तरफ मार्जिन इस तरह। यहाँ सीधा मार्किंग करेंगे। शोल्डर है हमारा 16, सो शोल्डर है हमारा 16, 2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 इंच, 8 इंच आधा इंच सिलाई के लिए। अरमोल यानी कि आम, आम के शोल्डर की तरफ में 1.5 इंच डीप देंगे, अरमोल रखेंगे, यानी कि आम 7 इंच पर, यानी कि शेष्ट के हिसाब से 2 इंच कम। यहाँ पर 8.5 हुआ और यहाँ पर भी 8.5 रखेंगे, यानी कि सीधा मार्किंग के लिए इस तरह, इस तरफ से मार्किंग करेंगे। शेष्ट 11 इंच हमारा, 11 इंच यहाँ पर रखेंगे। शेष्ट से कम्बर 1 इंच खाली कम करेंगे हम, यानी कि ये हुआ 11, तो यहाँ हुआ 10 इंच टिप के लिए इस तरह मार्किंग करेंगे। ये हुआ सिलाई के लिए। नेक यानी कि गला 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, और जो यहाँ 1.5 इंच मारे हम, 1.5 इंच से यहाँ पर ऐसा मार्किंग कर देंगे इस तरह। हल्के से आम का मार्किंग करेंगे, यानी कि अरमोल इस तरह कटिंग करेंगे। कटिंग हम मार्किंग के ऊपर ही करेंगे इस तरह। Thank you.
ये हुआ है बैक और फ्रंट।